أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ज़रूरी बात नौजवान बच्चों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, सब चाहने के बाद चाहती बोल के ख्वाहिश करके बता रहा हूँ। मैं थोड़े नौजवान बच्चे ना जानने वाले घुमराही में है। अल्लाह वास्ते जो मर्द के लिए औरत को नामहरम किया गया उसका मसला तजुर्मा बता रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। 13.5 नाते है, इसके अंदर मुहर्रम जो नामहरम का मशवरा कर रहा हूँ मैं। 4 अम्मला, 4 बहना, 4 बेटियाँ, 1 सास आधी साली। 4 अम्मला का तजुर्मा कर रहा हूँ मैं, गौर से सुनो भाई। एक हमारी बाबा की अम्मा दादी, दूसरी हमारी अम्मा की अम्मा नानी, तीसरी दूध की अम्मा, चौथी जनी माँ, ये 4 अपने मुहर्रम है। दूसरे 4 बहना हमारे मुहर्रम है, हमारे बाबा की बहन फुप्पू, हमारी अम्मा की बहन खाला, हमारी दूध की बहन, हमारी पेट से पैदा होने वाली बहन, ये 4 बहना हमारे मुहर्रम है। 4 बेटियां हैं, एक भान की बेटी, दूसरी भाई की बेटी, तीसरी दूध की बेटी, चौथी अपुन की बेटी। 13 जो है, जो अपनी बीबी हमारी निके में जो आई बीबी, अपनी बीबी है, उनकी माँ है, हमारी माँ है, मेरी सास माँ, हमारी माँ बराबर है, माँ बराबर देखना फर्ज है उसका। आधी साली अपनी, अपनी साली आधी का तजुर्मा क्या है साहब? मेरे भाइयों गौर से सुनो, हमारी बीबी से निके में लेने के बाद हमारी बीबी हमारे साथ है, तो हमारी साली का गैर गुजर हुआ तो खबर में मुहर्रम है वो, तो हमारी साली है या हनबी या बेवा, मेरी मेरी बीबी गैर गुजर हो गई तो या बेवा साली या हनबी साली को निके में ले सकती। हमारी बीबी रहते पर हमारी साली एक या दो या चार या पांच जितने भी हैं हमारी बहन के बराबर हैं।